वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद में हुए 3 महीने तक के ASI सर्वे की रिपोर्ट आखिरकार हिंदू और मुस्लिम पक्षों को सौंप दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष के दावों को एक बार फिर खारिज किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 839 पन्नों की रिपोर्ट को रिसीव करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने बयान दिया है। उन्होंने हिंदू पक्ष के दावे को एक सिरे से यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद ही नहीं बनाई गई है और वो अध्ययन के बाद ASI सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में आपत्ति दाखिल भी कर सकते हैं। वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद में हुए 3 महीने तक के ASI सर्वे की रिपोर्ट आखिरकार हिंदू और मुस्लिम पक्षों को सौंप दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष के दावों को एक बार फिर खारिज किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 839 पन्नों की रिपोर्ट को रिसीव करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने बयान दिया है। उन्होंने हिंदू पक्ष के दावे को एक सिरे से यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद ही नहीं बनाई गई है और वो अध्ययन के बाद ASI सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में आपत्ति दाखिल भी कर सकते हैं।